वेल, अगर एक वर्ड में आंसर चाहिए तो नहीं, वैदिक मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है कैट के अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए। एक बहुत ही छोटी माइनॉरिटी एक नंबर है, लेट्स से 1% और मे बी इवन लेस देन दैट, जिन स्टूडेंट्स को वैदिक मैथ्स की या तो ज़रूरत होती है या जो वैदिक मैथ्स का बेनिफिट एक्चुअली उठा सकते हैं। बाकी वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एज आई सेड, गुड 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को वैदिक मैथ्स की ना तो कोई ज़रूरत होती और ना ही वो वैदिक मैथ्स पढ़ के उसका मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से। तो आगे की पूरी वीडियो में मैंने बस यही एक्सप्लेन किया है कि वैदिक मैथ्स की ज़रूरत क्यों नहीं है और वो छोटी सी माइनॉरिटी 0.5 to 1% स्टूडेंट कौन हो सकते हैं और उन्हें अगर काम करना हो तो भी वैदिक मैथ्स को कैसे काम करना होता है। तो अगर देखना हो तो देख लेना, अदरवाइज दैट्स इट, आंसर मिल गया। नमस्कार बच्चा लोग, तो पहले तो ये समझते हैं कि कैट के क्वांट में आइडियली कितनी स्पीड की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। तो मैं एक एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल नहीं ले रहा, इट्स ओके, 99 के ऊपर की कैलकुलेशंस बाद में देखेंगे आप। स्पेशली अगर तुम एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, एक रियलिस्टिक टारगेट कैन बी क्वांट में अराउंड 95-96% विच इज़ अचीवेबल इन ए ईयर, वेरी मच अचीवेबल। 95% के लिए एक 40 मिनट के पेपर में आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 मिनट के पेपर में अकॉर्डिंगली सेम ही रहता है रेशो। 10 क्वेश्चन करने का मतलब है 4 मिनट पर क्वेश्चन का टाइम आपके पास है, ये इतनी स्पीड की ज़रूरत है। नाउ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये बहुत स्टीप टारगेट लगता है, बट इन रियलिटी ये बहुत स्टीप टारगेट नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स यूज किया जाता है जब आपको स्पीड अचीव करनी हो, लेट्स से पर क्वेश्चन आपको 1-1.5 मिनट्स का टाइम हो, उतनी स्पीड रीच करने के लिए वैदिक मैथ्स अंडरस्टैंडेबल है कि उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपको वहाँ तक जाना है। 4 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड, ये बेसिक नॉर्मल नंबर क्रंचिंग अगर आप ओरली कर पा रहे हो उतना काफ़ी होता है इसके लिए। यानी कि आप बेसिक एडिशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन एंड बेसिक 2 digit into 2 digit का मल्टीप्लीकेशन, 3 digit के एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 digit के मल्टीप्लीकेशन, इतना अगर कर लो तो आप 95-96% कैट में लेकर के आ सकते हो। थिंक ऑफ इट लाइक दिस बेटा, 17 + 15 = 32 होता है। ये बताने के लिए तुम्हें वैदिक मैथ्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही वैदिक मैथ्स तुम्हें ये सिखा सकता है। वैदिक मैथ्स अगर किसी को इम्प्रूव करना भी हो तो इट्स अ 2-step journey। पहला स्टेप है कि वैदिक मैथ्स के प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले ही आपका एक लेवल होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट अज्यूम करते हैं कि भाई बेसिक एडिशन तो आता होगा, एटलीस्ट कुछ टेबल्स तो आते होंगे। अगर वो ही नहीं आता है तो वैदिक मैथ्स कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी। तो 17 + 15 or 28 + 38 or 128 + 152, अगर तुम इतना ओरली नहीं कर पा रहे हो तो वैदिक मैथ्स वोंट हेल्प यू एट ऑल। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको एनी हाउ लेना पड़ेगा और फिर सेकेंड स्टेप इज वैदिक मैथ्स। वाइल रियलिटी इज के कैट में 95-96% लाने के लिए दिस फर्स्ट स्टेप इन इटसेल्फ इज इनफ। अनफॉर्चुनेटली होता यूजुअली ये है, स्पेशली नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के साथ, कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड बेसिक 20-25 तक के टेबल्स, 2 digit की ओरल कैलकुलेशन, ये करना बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, बहुत टीडियस काम लगता है। तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे यूजुअली वैदिक मैथ्स के बारे में उनका परसेप्शन ये होता है कि शायद ये कोई जादुई कहानी की किताब है जिसे मैं एक बार पढ़ लूँगा तो रातों रात मेरी कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द रियलिटी। लेट मी गिव यू अ रियल पिक्चर कि वैदिक मैथ्स अगर किसी को इम्प्रूव करना भी हो तो उसके लिए कितनी एफर्ट लगती है। एज आई सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ 2-step journey। तो बेसिक फर्स्ट स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा, बेसिक टेबल्स और बेसिक एडिशन तो आपको स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप वैदिक मैथ्स के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो और डेली आधे से पौना घंटा उन प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस करते हो, तब जाके 1 महीने के बाद आपको उसका बेनिफिट आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हो और आपकी स्पीड वो पहुंच पाती है जितना मैंने बताया। अगर डेली 1 महीना आधा पौना घंटा प्रैक्टिस करनी ही है तो बेसिक कैलकुलेशन की, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की कर लो ना, वो बेसिक टेबल्स याद करने में कर लो, क्यों खामखा में वैदिक मैथ्स पे अपना टाइम वेस्ट करना है। बट एज आई सेड, मार्केट परसेप्शन स्पेशली नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों में ये रहता है कि शायद वैदिक मैथ्स के लिए मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसे एक बार पढ़ूंगा, उसमें कोई ऐसा शॉर्टकट तो क्या फॉर्मूला पता चल जाएगा कि बस एक बार मैंने पढ़ ली और 1 घंटे बाद मेरी स्पीड कैलकुलेशन स्पीड अचानक से रातों रात तिगनी चौगनी हो जाएगी। As I said,
दैट्स नॉट द रियलिटी. नाउ लेट्स कम टू के वैदिक मैथ्स की जरूरत किन एक बहुत छोटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पड़ सकती है. नाउ लेट्स से कोई स्पेशली कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो जिसको IIM ABC जाना हो और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, उसे 99.9 लाना ही पड़ेगा. बिकॉज कई बार होता है कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के लिए, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो इससे नीचे आपको कॉल नहीं आता. 99.89 दिस इज द बेयर मिनिमम. इतना हाई अगर आपका टारगेट है, अब आपका काम 10 क्वेश्चन करके नहीं चलेगा क्वांट में. अब आपको 40 मिनट के पेपर में 22-23 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, विच मीन्स पर क्वेश्चन आपके पास 2 मिनट से कम का टाइम है. अब वैदिक मैथ्स माइट हेल्प, बिकॉज अब अगर आपकी स्पीड ऑलरेडी अच्छी है, अच्छे से काम नहीं चलेगा, अब आपको बहुत अच्छी स्पीड बनानी पड़ेगी. देयर वैदिक मैथ्स एक्चुअली हेल्प्स. एंड इफ वन सच स्टूडेंट्स थिंक्स कि मुझे नेक्स्ट स्पीड लेने के लिए अपनी स्पीड में मैं वैदिक मैथ्स के साथ काम करूं, तो इट विल बी अंडरस्टैंडेबल. एट द सेम टाइम वो स्टूडेंट वैदिक मैथ्स का बेनिफिट भी एक्सट्रैक्ट कर पाएगा. आप ऑलरेडी 99 लेवल पे हो और अब आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो 99.9 जाने के लिए और इसलिए आप वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हो, यानी कि आप ऑलरेडी इस स्टेज पर हो कि आप उतनी प्रैक्टिस डाल सकते हो. तो सिर्फ और सिर्फ इस एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट इतना ज़्यादा हाई हो बिकॉज ऑफ लॉजिकल रीजंस, और जिनका ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पेडेस्टल पे वो हो, उनके लिए इट मेक सेंस. बाकी किसी को ना तो वैदिक मैथ्स की ज़रूरत है और ना ही वैदिक मैथ्स से वो बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आइडियली करना चाहिए. दैट्स इट बच्चा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए. होपफुली इट वुड बी ऑफ सम हेल्प टू सम ऑफ यू गाइस. इन केस यू वांट टू टॉक टू मी, कोई भी बात हो तुम्हारी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन चाहिए हो, कुछ भी हो, अपनी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, तो मेरा एक नॉन कमर्शियल नॉट फॉर प्रॉफिट टेलीग्राम ग्रुप है, तुम उस पर आ सकते हो. ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे और मैं ऑलमोस्ट हर सेकंड डे पे उनसे बात कर रहा होता हूँ. बहुत सारे बच्चों से वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो रही होती है, बहुत सारे बच्चों के ग्रुप पे डाउट हैंडल कर रहा होता हूँ, तो तुम वहाँ पर आकर के मुझसे बात कर सकते हो. इफ़ यू आर समबडी दैट हु इज़ सेल्फ प्रिपेयरिंग, देन यू शुड नो दैट आई रियली रिस्पेक्ट यू. And I really, really want you to be successful because I want के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की self preparation के बाद success की stories बाहर आएँ. तो yeah, I will be very happy if I would be able to make any tiny contribution to your journey. तो yeah, वहाँ आओ, बातें करेंगे, कोई भी problem होगी देखेंगे क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकते हो तुम. That's it. See you. Happy preparations. टाटा.